न्यूज़ व्यूज पढ़ रहा है कोई? पढ़ रहा है ना? कहाँ थरकी हो तुम? पता ही नहीं तुम्हें क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है ना इकलौता मुझे छोड़ के पूरी दुनिया ने माल फूका हुआ है। नहीं मजाक भी नहीं कर रहा इस बात पे। तो मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है, शायद देश में शायद क्योंकि कोई हो सकता है मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। देखो मैं मजाक उड़ाना चाहता भी नहीं, बट इंडिया का इतिहास बोलता है कि 1995 में तो पहली बार इंडिया में इंटरनेट आया था बे। ये 88 में कैमरा यूज कर रहे, मेल यूज कर रहे। अबे 88 में ना डेवलप कंट्री के पास भी नहीं था। चाचा उम्र हो गई, छोड़ दो छोड़ दो। मोदी ने बोला तो है। अबे मैं क्या बना कर रहा हूँ, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ महंगा माल कहाँ से ले रहे हो? मनाली? वाह मोदी जी वाह वाह। अलग सीरियसली प्राइम मिनिस्टर है वो बंदा इंडिया का, शोज पे जाके ऐसी बातें मानेंगे नहीं ना। 88 में कैमरा लेके पोर्न बनाता था मैं। अच्छा सर वो ब्लैक एंड व्हाइट पोर्न आपने शूट करी थी? Just chill, ये, अगर यही बात किसी और ने बोली होती ना, स्पेशली किसी लड़की ने, तो मैं ये बोलकर टाल देता। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। मोदी जी है, ये भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास हमेशा है कौन देगा। मैं नहीं बोला नायक बनेंगे चूतिया साला। साला मैं दूसरे को बोलता हूँ माल फूक के बैठा है। जब से मैंने कैमरा ऑन किया तब से मैं कैमरे के ढक्कन को देख रहा हूँ और मैंने माल फूका भी नहीं है। जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा, साले कुत्तों की जिंदगी। अभी भी ना मैं कल रात के गम में हूँ। चेन्नई हार गई 1 रन से। मतलब चेन्नई की हालत ना सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकता है जो 1 नंबर से फेल होता है। Why are we still here? Just to suffer. और ये बात मैं सुनूंगा नहीं सालों, क्योंकि तुम्हें भी पता है धोनी को गलत रन आउट दिया हुआ है। और तुम्हें भी पता है वो कैसे हुआ है, जैसे थर्ड अंपायर दिया ना अंबानी जो बैकग्राउंड में थे, हाँ थर्ड अंपायर का अकाउंट नंबर क्या कर दिए आउट। मतलब लास्ट टाइम धोनी रन आउट का बोलता किसको याद है? पता है किसी को कुछ भी याद है उस बारे में? नहीं। और मैं ऐसे नहीं मुंबई पे मैं ब्लेम कर रहा हूँ या अंबानी को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली अगर मुंबई इंडियंस हार जाती ना मेरा पैसों से भरोसा खत्म हो जाता सच में यार। और ये चौथी बार है जब मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीता है। अभी लिटरली रोहित शर्मा का ना रिएक्शन एक ही होगा। ऑफ कोर्स ये सब मजाक है और ये बुरा लग रहा है मेरे को, गम है चेन्नई हार गई, बट कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा खेले दोनों ही टीम। मतलब सीरियसली इतना इंटरेस्टिंग मैच था ना, मुझे दया आ रही है उन बच्चों पे जो बैठ के फैमिली के साथ मैच देख रहे थे। अबे कल का मैच ना लिटरली तुम्हारी जबान का पेशेंस लेवल चेक करते हैं। लीव अ लाइक अगर तुम उस सिचुएशन में। अबे मार चोड़िया पहनी है क्या? कौन वाला? मैं नहीं बोला। नहीं तो पापा मैं नहीं बोला, मैं चूड़िया बोल रहा था। चूड़िया स्टॉप इट गेट सम हेल्प। एक्चुअली बहुत अच्छा मैच था और मैं मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा कि इतना अच्छा अंबानी खेल रहा था स्टेडियम में बैठ के, मैंने तो मैच किसी और को दे दिया, सारे पैसे इसके लगे पड़े। और मजाक भी नहीं कर रहा सीरियसली, अंबानी ना आईपीएल ट्रॉफी से जरूर से ज्यादा ऑप्शन। मैं बता रहा हूँ अंबानी जब आईपीएल ट्रॉफी देखते ना उसके दिल में गाना बजना शुरू हो जाता है। कबीर कबीर खान का ट्रेलर लॉन्च हुआ, बहुत सारे लोग बोल रहे कि मजा नहीं आया अर्जुन रेड्डी वाला क्या ये, और क्या गांड मारनी तुमने शाहिद कपूर की भाई, दाढ़ी में इतना बैड एस लुक दिया है, क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस दी, और ना मजा नहीं आया। अब तुम्हारे मचे के लिए क्या कियारा आडवाणी को बिकनी पहना के लाए, स्टोरी की डिमांड है वही चलेगा ना। मैंने इतना एंजॉय किया लिटरली, इतना एंजॉय किया वो ट्रेलर की, ये 3 मिनट का ट्रेलर ना 3 घंटे की कलंक से बहुत बढ़िया है। और म्यूजिक इतना तगड़ा डाला हुआ है कि उस म्यूजिक को दोबारा सुनने के लिए मैंने दोबारा ट्रेलर देखा है, और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैंने दोबारा ट्रेलर देखा है। एक बार देख के मैं मजे लेता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। स्टूडेंट लाइफ है ये, रियल स्टूडेंट लाइफ, शॉटी वाली नहीं है वो, तो बॉलीवुड वाली होती है, ये एक्चुअल होती है। जो कॉलेज में है वो मानेंगे इस बात को। सो मैं एक्साइटेड हूँ और ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। शायद आई लव यू मैन बड़ा गेन ये मेरे ओपिनियन है, मुझे पसंद आई मूवी आई लव शायद। और जो चीज मैं टीजर में डाउटफुल था यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत तगड़ी चीज हो सकती है। अब मूवी तो कहीं वेट करके देखना पड़ेगा क्या होता है रिस्पॉन्स, बट मेरे ओपिनियन है। फील फ्री टू लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर और तुम क्या सोचते हो आज के एपिसोड के बारे में, क्योंकि इसी नोट पे यही वर्ल्ड का ये एपिसोड निकल कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज का नोटिफिकेशन शॉट आउट जा रहा है जग्गू को। अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारा नाम इंटरव्यू आए, शेयर दिस वीडियो, टैग मी इन दैट पर्सन, क्या पता अगली वीडियो तुम्हारा नाम भी आ जाए। एंड जस्ट इन केस तुम लोगों में से जो शेयर नहीं करने वाले कर दो। बेसिकली मेरा हालत ना ऐसा समझो आज।
हैंगओवर तेरी यादों का। मुंह पर मीठे पीठ पीछे कड़वे हैं, जिन्हें तुम दोस्त बोलते हो ना, एक नंबर के आग समझदार हो तुम, पाप लगे तुम्हें। मुझे लगता है एक लौता यूट्यूबर हूंगा मैं जो अपनी ऑडियंस को ही पाप देता रहता। पाप लगे ठरकी हो तुम।